ये पानी गटर का पानी इधर आके जमा होता है, खड्डा हुआ, अपना गाड़ी किधर लेने का किधर ना हमको मालूम नहीं पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं रोड में। हाँ, अपना गाड़ी परसों इधर फंस गया था, किधर ले सकता हम गाड़ी, रोड बनेगा नहीं बनेगा हमको ये मालूम नहीं हो रहा। खराब होने की वजह से हम लोगों को इतनी दिक्कत है कि हम बराबर टाइम पे पैसेंजर को लेकर के छोड़ नहीं सकते। और एक तो क्या है मालूम है, गाड़ी का मेन टूटा वो टूटा, बहुत गाड़ी में बहुत दिक्कत आता है, इसलिए स्लो गाड़ी लेके जाना पड़ता है, रोड का कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के राजस्थान जो लोग हैं, जो यहाँ के MLA रोड के थोड़े के रोड के वास्ते कुछ तो कुछ करके ये रोड बनाना बहुत जरूरी है। जाने में बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे रोजाना, कम से कम 10-15 मिनट वेस्ट हो रहे हैं हमारे। ಒಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಖರಾಬ್ ಆಗಿ ನಿಂದ್ರ ಪಾಳಿ ಹೊಂಟದ, ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದವ್ರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದೇ ರಸ್ತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅದು ನೌಕರರು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಹೋದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾನೆ ಆನೆ ಬಹುತ್ ಪರೇಷಾನ್ ಹೋರ ಬಹುತ್ ತಕ್ಲೀಫ್ ಹೋರ ಬಹುತ್ ಆದ್ಮಿ ಲೋಕ ಗಿರ್ ರಹೇ ಇದೆ ರೋಡ್ ತೋ ಖರಾಬ್ ಹೈ। ये बहुत दिन से ये रिंग रोड से आप बम्बू बाजार तक ऐसे से पूरा एक बनाते बोल के आश्वासन देते, बनाते नहीं कुछ नहीं। फिल्टर बेड और बम्बू बाजार से जो रोड जाने वाली है, फिल्टर बेड में PWD वाले ये खड्डा गिरा है, ये कोई देख रहे नहीं है इधर। आप यहाँ पे इतना बरसात का महीना नहीं है, 2 महीने से इतना पानी जाम है यहाँ पे, कोई आके इसको कोई इंतजाम नहीं कर रहे, आ रहे खाली देख रहे गिर रहे हैं। पब्लिक दो गिर गए इधर खड्डे में, बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। ESI हॉस्पिटल का पानी क्या है, पाइपलाइन गया सो है, 2 महीना पाइपलाइन फूट गया है, यहाँ पे कोई देख रहे नहीं उसको। जी ये फिल्टर बेड रोड जो है ना, यहाँ पे गंज भी आता है इधर से, जो भी व्हीकल आता है गंज को जाने वाला व्हीकल इधर से ही जाता है, हर एक व्हीकल वाला इधर से जाता है, तो एक एक्सीडेंट कंपलसरी है यहाँ पे, तो रोज मिनिमम क्या नहीं तो भी 4-5 एक्सीडेंट रोज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना खड्डा हो गया है, यहाँ पे एक फिल्टर बेड बोल के यही है हमारे पे, यहाँ से जो है ना ESI हॉस्पिटल को पानी पहुँचा रहे हैं यहाँ से, तो पानी पहुँचा रहे तो वो पाइपलाइन गया सो है ना, तो बड़े बड़े गाड़ियाँ आ रहे हैं सो वो गाड़ियाँ से क्या है, वो पाइपलाइन फूट गया है, पाइपलाइन फूटने से मिनिमम 3 महीने हो गया, 3 महीने से ऐसा ही है, बरसात नहीं है तो बरसात का कैसा खड्डा पानी है देखो, बरसात अभी तक तो बरसात गए सो 2 महीना हो गया लेकिन यहाँ रेगुलर बरसात जैसा है, ये खड्डा देखे तो शर्मनाक हो रहा है, सभी पब्लिक बोल रहे हैं कि ये रोड है कि क्या ये तालाब है यहाँ पे, ऐसा बोल रहे हैं लोग यहाँ पे, तो शर्मनाक की बात है। कोई MLA या कोई कारपेंटर, कोई PW वाला कोई भी नहीं समझ रहे कि ये रोड कैसा है, कोई कारपोरेशन वाला भी नहीं आ रहा है, लाइट भी नहीं रहता यहाँ पे, रात में देखे तो हर पब्लिक यहाँ से गाड़ी जाने वाले रेगुलर गिरते रहते हैं, तो इससे बहुत हमारे को तकलीफ हो रहा है, जल्द से जल्द ये रोड होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे क्या है ये मेन रोड हम बंद कर देते हैं।